स्मार्ट सिटी के कार्य के जो निर्धारित टाइमलाइंस हैं वो जून 2023 तक हमें सभी काम कंप्लीट करने हैं। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी और मुख्य सचिव महोदय और वरिष्ठतम अधिकारियों के ओर से भी लगातार निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं कि स्मार्ट सिटी के कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और एज ए सीईओ स्मार्ट सिटी मेरे द्वारा भी लगातार मौके पर स्मार्ट सिटी के विभिन्न कार्यों का निरीक्षण समय समय पर किया जाता आ रहा है और मेरे द्वारा पहले भी कंपनीज के खिलाफ FIR इत्यादि की कार्रवाई की गई। और अभी मॉनसून का सीजन शुरू हो गया है और काफी कंप्लेंट्स भी प्राप्त हो रही थी कि प्रॉपर किन्हीं जगहों पे प्रॉपर जो गड्ढे वगैरह खोदे गए हैं प्रॉपर भरा नहीं किया गया है। और इसी श्रृंखला में कल मैंने जब जो परेड ग्राउंड के ऑपोजिट वाला स्ट्रेच विजिट किया तो पाया कि जो नाली का काम है वो ऐसे ही खुदा हुआ था और जो कॉन्ट्रैक्टर है बिना किसी नॉर्म्स के फॉलो किए हुए उसको ऐसे खुदा खोद के छोड़ा हुआ था कि जान माल का नुकसान कभी भी हो सकता था। तो इसी को सीरियसली लेते हुए संबंधित स्मार्ट सिटी के JE को मैंने फिलहाल सस्पेंड किया है और जितने भी स्मार्ट सिटी के कार्य हैं और बाकी जो निर्माण के कार्य हैं मॉनसून अवधि में उन सबको आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत लाया है। तो इसमें ये रहेगा कि जो भी कार्य किसी भी जिस भी विभाग द्वारा जनपद देहरादून में मॉनसून के तहत किया जा रहा है चाहे वो कोई वायर किसी भी जगह लटका हुआ है या नाली खुदान में लापरवाही से खुद के ऐसे छोड़ दिया गया है या बिजली के तार जो है अंडरग्राउंड करके वैसे ही छोड़ दिए गए, तो इन सब पे हम लोग आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत लापरवाही का संज्ञान लेते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।